हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संस्कार वेमेन ट्रेन। आज हम आपको बताएंगे फुट पैडल मशीन को किस तरह से ऑपरेट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम बताते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। ये है हमारा फुट पैडल। यहाँ पर हम अपने पैर रख के इस तरह से इसको कंट्रोल करते हैं। अभी मैंने इसको ऑन नहीं किया है। उसके बाद हम चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ आता है हमारा थ्रेड स्टैंड। फ्रेंड्स, ये है हमारा थ्रेड स्टैंड। यहाँ पर हम थ्रेड डालेंगे। यहाँ पर हम थ्रेड डालने के बाद इस ऊपर वाले होल में से लेकर हम नीचे की तरफ लेकर आएंगे। ये है पावर। यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे। मशीन की बैक साइड, ये है हमारा प्रेशर फुट लिफ्टर। इसे हम प्रेशर फुट को ऊपर की तरफ उठाते हैं। और इसके अलावा इसमें हमारे पास एक और ऑप्शन है। ये हम नी की हेल्प से भी यहाँ पर हम इसको उठा सकते हैं, जिससे हमारे दोनों हैंड फ्री रहेंगे। मशीन में हमने थ्रेड नहीं डाला है अभी। अभी हम इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ये ब्लैंक पेपर लिया है। तो आप इस तरह से एक पेपर ले लीजिए और थ्रेड नहीं डालना है अभी आपको। अभी हम ऐसे ही मशीन को कंट्रोल करना सीखेंगे। फुट पैडल से हम इस तरह से इसको कंट्रोल करेंगे। अपने फुट को हमें हल्के से ही रखना है इस पर। फ्रेंड्स, मैंने लाइनिंग वाला पेपर इसलिए लिया है जिससे जब हम इसको इस तरह से धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप स्ट्रेट लाइन पर किस तरह से चला सकते हैं इसको। देखिए, मैं इसको लाइन के ऊपर से चला रही हूँ। तो आप इस तरह से पेपर ले लीजिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्ट्रेट सिलाई लगाने में ही होती है। तो आप इस तरह से लाइन पर धीरे धीरे चलाइए इसे और प्रैक्टिस कीजिए। देखिए फ्रेंड, बीच से जो मेरी लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट आई है। अब हम इसमें थ्रेड डालेंगे। ऊपर की तरफ से हमने इसको लिया। यहाँ से हम इसको, ये हमारा बॉबिन बाइंडर है जिससे हम बॉबिन को फिल करते हैं। ये हमने बॉबिन को इसमें लगा दिया और थ्रेड को रैप किया और पावर ऑन किया। इस तरह से हम अपनी बॉबिन को फिल करेंगे। भरी हुई बॉबिन को हम बॉबिन केस के अंदर डालेंगे और इसको नीचे की तरफ हम यहाँ से इसको इसमें सेट करेंगे, जैसे हम नॉर्मल मशीन में करते हैं। अब हम वापस ऊपर की तरफ आते हैं। यहाँ से हम थ्रेड स्टैंड में डालेंगे थ्रेड। यहाँ से इसमें डालेंगे। दोनों होल में डालने के बाद फिर हम टेंशन पोस्ट में डालेंगे। उसके बाद थ्रेड टेकअप लीवर में डालेंगे। यहाँ से डालने के बाद फिर हम निडल में थ्रेड डालेंगे और साइड वाले व्हील से हम इस तरह से घुमाते हुए दोनों थ्रेड को ऊपर की तरफ निकालेंगे। अब हम यहाँ पर एक स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। जब आप पहले पेपर पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस तरह से आपको मशीन ऑपरेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। और पैरों से हमें ऐसे कंट्रोल करना है इस तरह से। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बाय एंड थैंक यू।